हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ पोयम गॉबलिन मार्केट बाय क्रिस्टीना रोजेटी। तो क्रिस्टीना रोजेटी हैं, इनका बर्थ हुआ 1830 में और इन्होंने ये जो पोयम लिखी गॉबलिन मार्केट, ये 1859 में लिखी। ये एक इंग्लिश पोएट हैं, साथ में रोमांटिक, डिवोशनल और चिल्ड्रंस से रिलेटेड पोयम भी लिखती हैं। इसमें से गॉबलिन मार्केट एक बहुत ही फेमस पोयम है और ये फुल ऑफ सिंबलिज्म, इमेजरी और इन सब चीज़ों से भरी हुई है। सो अब डिस्कस करते हैं पोयम। मॉर्निंग एंड इवनिंग मेड्स हर्ड द गॉबलिन्स क्राई, कम बाय आवर ऑर्चार्ड फ्रूट्स, कम बाय कम बाय। सो मेड्स हियर द गॉबलिन क्राई, जैसा कि आपने कभी देखा हो किसी सुपरमार्केट या फिर सब्जी मंडी, हम कह सकते हैं कि किस तरह लोग चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेचने के लिए बुलाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर गॉबलिन्स हैं जो मेड्स को अपना सामान बेचने के लिए अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कम बाय, आओ हमारे ये फ्रूट्स खरीदो, आओ खरीदो। एप्पल्स एंड क्विंसेस, लेमन्स एंड ऑरेंजेस, प्लम्ड अनपेक्ड चेरीज, मेलन्स एंड रसबेरीज, ब्लूम डाउन चीक्ड पीचेस, स्वार्ट हेडेड मलबेरीज, वाइल्ड फ्री बोर्न क्रैनबेरीज, क्रैब एप्पल्स, ब्लूबेरीज, पाइन एप्पल्स, ब्लैकबेरीज, एप्रिकॉट्स, स्ट्रॉबेरीज। सो एप्पल एंड क्विंसेस से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाइबल की स्टोरी से भी कंपेयर किया जाता है उसे, और अगर आपने कभी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी हो तो भी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि जो फ्रूट खाने के लिए एक तरीके से मना किया गया था और वो ईव खा लेती है, एडम ईव की स्टोरी को हम यहाँ पर देख सकते हैं कंपेयर करके। इसके अलावा हर एक फ्रूट का नाम लिया गया है, उन गॉबलिन्स को अपने फ्रूट को बेचना है तो वो हर एक फ्रूट का नाम ले रहे हैं कि ये खरीद लो और वो खरीद लो। All ripe together in summer weather, moons that pass by, fair eves that fly, come by, come by. All ripe together in summer weather, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि सारे एक साथ पके हुए फ्रूट हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइम पर पके हुए हों, क्योंकि ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि सीजनल फ्रूट होते हैं जो किसी किसी टाइम पर ही पकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से उन मेड्स को अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है कि सारे पके हुए फ्रूट हैं, इनको आकर खरीदो। Our grapes fresh from the vine, pomegranates full and fine, dates and sharp bullaces, rare pears and green gages, damsons and bilberries, taste them and try, currants and gooseberries, bright fire like berries, figs to fill our mouth, citrons from the south, sweet to tongue and sound to eye, come by, come by. So, सबसे पहले तो ये बोला गया है कि हमारे grapes जो हैं एक फ्रेश बेल से उगे हुए हैं, पोमीग्रेनेट्स हैं जो अनार हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेश हैं, डेट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, तो इस तरीके से हर एक फ्रूट की फ्रेशनेस दिखाई गई है कि सारे फ्रूट्स फ्रेश हैं, अच्छे हैं। सिट्रंस फ्रॉम द साउथ, हर एक फ्रूट की क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। सिट्रंस जो होता है लेमन लाइक फ्रूट होता है और ऐसा बोला गया है कि ये साउथ की बहुत ही फेमस हैं। सारी चीज़ सारे फ्रूट्स जो हैं वो स्वीट हैं, टंग पे बहुत स्वीट लगेंगे, दिखने में बहुत ही अच्छे हैं, इस तरीके से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की गई है, उनको बोला गया है आओ खरीदो, आओ खरीदो। इवनिंग बाय इवनिंग अमंग द ब्रूक साइड रशेस, लोरा बोर्ड हर हेड टू हियर, लीजी वेल्ड हर ब्लशेस, क्राउचिंग क्लोज टुगेदर इन द कूइंग वेदर, विद क्लास्पिंग आर्म्स एंड कॉशनिंग लिप्स, विद टिंगलिंग चीक्स एंड फिंगर टिप्स, लाई क्लोज, लोरा सेड। सो यहाँ पर एक इमेजरी देखने को मिलती है कि इवनिंग का टाइम है, ब्रूक साइड रशेस लाइक भीड़ भाड़ का टाइम है, सब लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं, और लोरा बोर्ड हर हेड टू हियर, लिजी वेल्ड हर ब्लशेज। लोरा उनसे अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है लेकिन लिजी को इस चीज़ से एम्बेरस फील होता है। इन दोनों बहनों में से लिजी ज़्यादा समझदार है, वो लोरा को समझाने की कोशिश करती है। विद क्लास्पिंग आर्म्स एंड कॉशनिंग लिप्स, विद टिंगलिंग चिक्स एंड फिंगर टिप्स, दैट मीन्स ये सब लिजी लोरा के साथ करने की कोशिश करती है कि अपने लिप्स को क्लोज करो और यहाँ से चुपचाप चलो। प्रिकिंग अप हर गोल्डन हेड, वी मस्ट नॉट लुक एट द गॉबलिन मैन, वी मस्ट नॉट बाय देयर फ्रूट्स, हु नोज अपॉन व्हाट सॉइल दे फेड देयर हंग्री थर्स्टी रूट्स, कम बाय गॉबलिन्स कॉल्ड, हॉबलिंग डाउन द ग्लेन।
तो यहाँ पर लिजी बार बार समझाती है कि हमें इन गोब्लिन्स की तरफ नहीं देखना, हमें उनके फ्रूट्स भी नहीं खरीदने, ना जाने ये कौन सी मिट्टी का यूज़ करते हैं अपनी थ्रस्टी रूट्स के लिए। वहीं दूसरी ओर ये गोब्लिन्स आवाज़ लगाकर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ और हमारा सामान खरीदो, हमारे फ्रूट्स को खरीदो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम देख सकते हैं कि हो सकता है इन फ्रूट्स को खाने से कोई बीमार हुआ हो तभी लिजी मना कर रहे हैं, या फिर ये हमारे सामने एक सस्पेंस की तरह है कि वो लिजी बार बार लोरा को इन सब चीज़ों के लिए मना क्यों करती है। ये सब तो हमें पोएम पढ़कर ही पता चलेगा, तो पढ़ते हैं आगे। ओह क्राइड लिजी, लोरा लोरा, यू शुड नॉट पीप एट द गॉब्लिन मैन। लिजी कवर्ड अप हर आईज, कवर्ड क्लोज लेस दे शुड लुक। लोरा रियर्ड हर ग्लोजी हेड एंड विश्वर्ड लाइक द रेस्टलेस ब्रूक। Look, Lizzy, down the glen tramp little men. तो यहाँ पर लीजी है वो बार बार लोरा को समझाती रहती है कि इन गॉब्लिन मैन को इम्पोर्टेंस मत दो, इनकी तरफ मत देखो। लीजी जो है वो एक तरीके से अपनी आंखें बंद कर लेती है, कवर कर लेती है और कहती है कि हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बट लोरा कहती है कि देखो इनकी तरफ देखो, एक रेस्टलेस ब्रूक की तरह वो रिएक्ट करती है और वो लीजी को भी उनकी तरफ देखने के लिए कहती है कि बार बार बोलती है कि लुक लीजी, देखो लीजी, देखो लीजी, तुम भी देखो। Down the glen tramp little men. One holds a basket, one bears a plate, one lugs a golden dish of many pounds weight. How fair the vine must grow, whose grapes are so luscious. How warm the wind must blow through those fruit bushes. No, sad Lucy, no, no, no. तो लिजी को बार बार लोरा ऐसा बोल रही है कि देखो इनकी तरफ देखो। साथ में यहाँ पर अब उनका फिजीक दिखाया गया है कि उन गोब्लिन्स का, उन सामान बेचने वालों का फिजीक कैसा है उसको दिखाया गया है कि वो लिटिल मैन है, छोटे छोटे आदमी दिख रहे हैं। साथ में वो अपना सामान कैसे सजा रहे हैं, कोई बास्केट में, कोई प्लेट में, कोई गोल्डन डिश की तरह। तो हर एक चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। साथ में हाउ फेयर द वाइन मस्ट ग्रो, अब लोरा इन चीज़ों से अट्रैक्ट होती है कि कितनी अच्छी वो बेल होगी, कितनी फ्रेश होगी जिससे ये ग्रेप्स आए होंगे, विंड कितनी अच्छी होगी। बट यहाँ पर बार बार लिजी उसे मना करती है कि नो 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 नो। देयर ऑफर्स शुड नॉट चार्म अस, देयर इविल गिफ्ट्स वुड नॉट हार्म अस। शी थ्रस्ट ए डिम्पल्ड फिंगर In each ear, shut eyes and ran. Curious Laura chose to linger, wondering at each merchant man. तो बार बार लिजी उन्हें समझाती रहती है लोरा को कि इनकी तरफ मत देखो और उसे कहती है कि देयर ऑफर शुड नॉट चार्म अस, इनके जो ऑफर है वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनके जो गिफ्ट्स हैं इविल गिफ्ट्स हैं उनसे हमें नुकसान ही होना है। और एक तरीके से अपनी कान और आँख दोनों बंद करके चलो यहाँ से, ऐसा वो उन्हें बोलती है। बट लोरा कहीं ना कहीं क्यूरियस है और वो अट्रैक्ट होती है उन मर्चेंट से और उनकी तरफ देखती है। वन हैड ए कैट्स फेस, वन विक्स्ड ए टेल, वन ट्रैम्प्ड एट ए रैट्स पेस, वन क्रॉल्ड लाइक अ स्नेल, वन लाइक अ वॉमिट प्राउल्ड ऑब्ट्यूज इन फ्यूरी, वन लाइक अ रैटल ट्रम्बल्ड हरी स्करी, शी हर्ड ए वॉइस लाइक वॉइस ऑफ डोव्स Cooing all together, they sounded kind and full of loves in the pleasant weather. तो वो उन मर्चेंट मैन को अच्छे से ऑब्जर्व करती है और कहती है किसी का फेस कैट की तरह है, किसी की विग्स टेल है, कि कोई रैट की तरह रिएक्ट कर रहा है और कोई स्नेल की तरह रिएक्ट कर रहा है, कोई वूमेट प्राउड। इस तरह से वो अलग अलग एनिमल से कंपेयर करती है उन मर्चेंट मैन को और उसे डव्स की वॉइस सुनाई देती है कि एक साथ वो साउंड कर रहे हैं, वो उसे काफ़ी प्लीजेंट लगता है, उनकी साउंड उन्हें काफ़ी प्लीजेंट और लवली लगती है और ये वेदर भी उसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। लोरा स्क्रैच्ड हर ग्लीमिंग नेक लाइक ए रश एम्बेडेड स्वैन, लाइक ए लिली फ्रॉम द बैक, लाइक ए मूनलिट पॉपुलर ब्रांच, लाइक ए वेसल एट द लॉन्च व्हेन इट्स लास्ट रेस्ट्रेंट इज गोन। यहाँ पर लोरा का बिहेवियर दिखाया गया है कि किस तरीके से वो रिएक्ट करती है, वो कितनी क्यूरियस है। तो उसकी ग्लीमिंग नेक लिजी के समझाने पर भी वो उनको सबको अच्छे से ऑब्जर्व करती है, उनको देखती है, स्वैन की तरह रिएक्ट करती है, लिली की तरह रिएक्ट करती है, मूनलेट पॉपुलर ब्रांच की तरह रिएक्ट करती है, वेसल की तरह रिएक्ट करती है। इस सब तरीके से लोरा का बिहेवियर दिखाया गया है कि उस पर कहीं ना कहीं उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, ये दिखाया गया है। बहुत ही क्यूरियस है इन सब चीज़ों को देखने के लिए।
backwards up the mossy glen, turned and trooped like the goblin men with their shrill repeated cry, "Come by, come by." When they reached where Laura was, they stood stock still upon the moss, leering at each other, brother with queer brother, signaling each other, brother with sly brother. तो यहाँ पर गॉबलिन्स को दिखाया गया है कि वो ट्रूप की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक आर्मी जो किसी वॉर में जा रहे हैं. इस तरीके से गॉबलिन्स ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहे हैं. एक एनवायरनमेंट यहाँ पर, एक इमेजरी यहाँ पर दिखाई गई है, और किस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेचने के लिए बुला रहे हैं ये भी दिखाया गया है. तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट दिखाया गया है कि जहाँ पर लोरा खड़ी होती है, जब सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो गॉबलिन्स आपस में किस तरीके से इशारा करके बात कर रहे होते हैं, उस वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस है, इस चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है. यहाँ पर कनिंगनेस, सस्पेंस और फियर का माहौल बन चुका है. जिस तरीके से वो लोरा को घूर रहे हैं और लोरा को देखकर वो आपस में इशारे से बात कर रहे हैं. सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये पोएम बहुत ही लंबी है. इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बाकी की बची हुई पोएम को. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड अगर ये अच्छे से समझ आ गई हो तो हिट लाइक एंड शेयर इट. थैंक यू.